नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। भवानी मंडी में नगर पालिका द्वारा कोरोना महामारी के प्रति जन जागरूकता लाने हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा नो मास्क नो एंट्री के तहत नगर पालिका परिसर के बाहर व राधेश्याम मंदिर की गली में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर नागरिकों को कोरोना वायरस महामारी से बचाव के प्रति जागरूक कर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने, मास्क लगाने, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीणा, राजस्व निरीक्षक पुखराज मीणा समेत नगर पालिका कर्मचारी व आम जन मौजूद रहे। लॉकडाउन का 22 दिन और हमारे पेलो साहब ने सीधा 7 दिन के लिए लगाया और उसी दिन से आज दिन तक जो इस कोरोना संबंधित लोगों का इलाज हुआ है सरकार के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य है। मैं खुद इसमें इलाज करा के आया हूँ। जयपुर रहा हूँ मैं, प्रताप नगर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में। इतनी अच्छी व्यवस्था गवर्नमेंट की रही कि वहाँ से सभी स्वस्थ होकर गए, बहुत कम मौत हुई वहाँ और लोगों को बहुत बढ़िया इलाज हुआ। भवानी मंडी के राजकीय बिड़ला विद्यालय में स्नातक पाठ प्रथम में नियमित प्रवेश प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों के आवश्यक प्रमाण पत्र महाविद्यालय में जमा कराने की सूचना प्राचार्य कार्यालय द्वारा जारी की गई। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि स्नातक पाठ प्रथम कला विज्ञान व वाणिज्य संकाय में नियमित प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को 16 दिसंबर 2020 तक अपने प्रवेश आवेदन की हार्ड कॉपी TCCC समकक्ष कक्षा की मूल अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश शुल्क, जमा रसीद आदि प्रमाण पत्र महाविद्यालय कार्यालय में जमा नहीं करवाए जाने पर उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। शुरुआत करते हैं मालवा क्षेत्र की खबरों के साथ। मंदसौर में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बाद भी आमजन गंभीर नहीं है। समझाइश के बाद भी लोग बिना मास्क लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। मंदसौर के बीपीएल चौराहे पर नगरपालिका टीम ने बिना मास्क वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही की और हिदायत दी। देखा जा रहा है कि कोरोना का आंकड़ा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंदसौर जिले में भी रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। लाख समझाइश के बाद भी कई कोरोना को गंभीरता से नहीं समझ रहे और लापरवाही कर रहे हैं। कई लोग बिना मास्क घरों से बाहर निकल रहे हैं। मंदसौर शहर के अलग अलग स्थानों पर नगरपालिका व पुलिस टीम द्वारा बिना मास्क घूमने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही करते हुए कोरोना नियमों की पालना करने की हिदायत दी जा रही है। 5,000, 10,000, 8,000 इतने चालान बनाए। प्रति व्यक्ति कितने के चालान काटे? प्रति व्यक्ति 100 रुपए। सर बीच में चालानी कार्रवाई बंद हो गई थी, अभी किस कारण? नहीं, चालानी कार्रवाई तो निरंतर जारी है। कुछ कारण से कर्मचारी छुट्टी पे थे। चालानी कार्रवाई में मैं गलती से मास्क भूल गया था तो मैं बिना मास्क के जा रहा था, मुझे चालान बनाया तो मैंने सहर्ष दे दिया। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि चालान बनने के साथ साथ तो सामने वालों को मास्क दे दिया जाए तो सुरक्षित तो हो जाएगा। अब मास्क खाली चालान काटने से सुरक्षित कहाँ हुआ? लेकिन उसको मास्क दे दिया जाए, नगर पालिका की तरफ से 100 रुपये में से 10 रुपये का मास्क दे दिया जाए तो क्या हर्ज है। नारायणगढ़ में केंद्र सरकार के किसान कानून कृषि विधेयक को लेकर जहां एक ओर पूरे देश में विरोध हो रहा है, वहीं शुक्रवार को मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में दोपहर 12 बजे ब्लॉक कांग्रेस एवं नगर कांग्रेस कमेटी ने बस स्टैंड पर इस कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज किया। विरोध कर रहे कांग्रेसजनों ने कृषि विधेयक की प्रतियां जलाकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया को ज्ञापन सौंपा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाबू खां मेवाती ने कहा कि देश के सभी किसानों को उनकी कृषि उपज मंडी पर समर्थन मूल्य लिखित में गारंटी दी जाए। इस काले कानून से किसानों का नहीं पूंजीपतियों का भला होगा।
साथ ही देश के किसानों द्वारा दिल्ली में इस कानून का विरोध किया जा रहा है। पश्चिम में ये कानून है, लेकिन देश का सारा किसान ये बात जानता है कि ये किसानों के पक्ष में नहीं होते हुए पूंजीपति और दौलतमंदों के लिए फायदेमंद कानून है। क्योंकि अगर किसानों के पक्ष में वास्तव में होता तो पूरा देश का किसान आंदोलन के ऊपर नहीं उतरता। किस तरह का कानून बनाए इनसे किसानों किस तरह से नाने है? किसानों का जो नुकसान इसमें हानि है, जो किसानों की MSP होती मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको अगर ये सरकार कहती है कि हम इसको बरकरार रखेंगे तो लिखित में गारंटी क्यों नहीं दे रही? 5 दिन हो गए जो बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार के मन में पाप है और ये किसानों के साथ छलावा है। ये पूंजीपतियों का इसलिए ये कर रही है कि उनको भंडारण की जो क्षमता नहीं, प्राइवेट मंडियां, आप जो प्राइवेट मंडी के बाहर जो व्यापार होगा उस पर आप टैक्स नहीं लोगे, लेकिन मंडी में जो है वो टैक्स, तो इससे क्या ये न्यायचित है? ये है और ये वास्तव में काला कानून है। और अगर एक बात है, ये काला कानून नहीं होता तो सारा देश का किसान सड़क पे जो 6-6 माह का अपना प्रबंध लेके खाना दाना पानी लेकर सड़क के ऊपर कड़कड़ाती सर्दी में दिल्ली को घेर रखा है। आज आपने काले कानून वापस लेने की मांग करी है, किसानों के साथ खड़े हैं, अगर मिल लिए जाते तो किस तरह से कांग्रेस उग्र आंदोलन की तैयारी करेगा? किस तरह बिल्कुल करेगी किसानों। मनासा के शासकीय अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर निरुपमा झा पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए गए। करीब 1 दर्जन से भी अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए बताया कि BMO द्वारा रिश्वत के पैसे नहीं दिए जाने पर तबादला करवाने की बात कही जाती है। स्वास्थ्य कर्मियों ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैटरनिटी वार्ड में ड्यूटी लगाने के नाम पर 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। शासन से आयोजन हेतु राशि मिलती है, उसको भी BMO अपने पास रख लेती है। वह कोई भी आयोजन होने पर उनके द्वारा राशि की मांग की जाती है। सभी ने हस्ताक्षरित एक शिकायती पत्र CMHO व SDM को देकर जांच की मांग की है। हमको ये BMO के साथ काम नहीं करना है, इनके अंडर में कोई काम नहीं करना है। भ्रष्ट BMO है, भ्रष्टाचार इनके जाने के बाद ही हटेगा यहाँ से, नहीं तो इसके पहले कोई भ्रष्टाचार नहीं हटने वाला। दूसरा BMO चाहिए हमको। हमको इनके मानसिक प्रताड़ना देती है, डेली उनको पेमेंट चाहिए। हमको हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रखा है पूरी तरह से, पेमेंट को लेके डिमांड है उनकी, डिमांड खत्म ही नहीं होती, डिमांड हर रोज बढ़ती जा रही है। इनमें से बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो CL गए थे, मैंने पैसे दिए इनका, क्या बहुत सारे स्टाफ के CL के हमें तो सैलरी काट दी, रोक दी सैलरी नहीं आई। सर इनके बाध्यता देने के बावजूद भी सर मैंने तो कोई गलती नहीं करी, फिर भी मेरी 4 महीने की सैलरी रुकी हुई है। मेरे को अगस्त से सैलरी नहीं, बोले के स्टाफ भी बोलता तू काम नहीं करती, ये सभी खड़े पूछ लीजिए मैं काम नहीं करती क्या इनके साथ में। मतलब हम परेशान है इससे, अगर असर हो जाता है BMO मैडम में तो हमको फिर कोई हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो ये कोई एक्शन नहीं होती है तो फिर आगे की सोचेंगे, फिर हमारा अगला कदम होगा जो भी होगा। बड़े ही प्रावधान नहीं है, इस टाइप से बोल के हमको जो है चुप करा दिया जाता है और जो है छुट्टी जाओगे तुम, आप तुम्हारे हिसाब से जाओगे या जो है अपने जो भी जा रहे हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या है कि पेमेंट का कुछ चल रहा है जिससे मतलब अपने को मजबूर होके वो करना पड़ता है। कलेक्टर कार्यालय से मेरे पास शिकायतें प्राप्त हुई है और उन्हें मुझे जांच अधिकारी बनाया गया है। विधायक कार्यालय से मेरे पास शिकायतें प्राप्त हुई है जिसमें मुझे जांच अधिकारी बनाया गया है। CM हेल्पलाइन पे इनकी शिकायतें हैं सभी नर्सों के, जिसमें इलाज की लापरवाही और पैसे लिए गए हैं और कुछ एक महिला की मृत्यु भी हुई है, उन सभी में मुझे जांच अधिकारी बनाया गया है। क्योंकि मैं जांच अधिकारी हूँ, मैं जांच कर रही हूँ, तो कार्रवाई से बचने के लिए। आज के समाचारों में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी एवं स्लिमिंग सेंटर, डॉक्टर दीपक वाधवा न्यूरोसर्जन, कोटा हार्ट एवं श्रीजी हॉस्पिटल कोटा, प्रत्येक माह के दूसरे रविवार। डॉक्टर दीपक खंडेलवाल अस्थि रोग एवं ऑर्थोस्कोपी, मैत्री हॉस्पिटल एवं अंजनेय ऑर्थो एंड गायनिक केयर कोटा। डॉक्टर श्रुति खंडेलवाल प्रसूति स्त्री रोग एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, गायनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन, मैत्री हॉस्पिटल एवं अंजनेय ऑर्थो एंड गायनिक केयर कोटा। डॉक्टर सुभाष जैन बाल रोग विशेषज्ञ, अहमदाबाद से ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध।
डॉक्टर विनीत जैन, नाक कान एवं गला रोग सर्जन, महावीर ईएनटी हॉस्पिटल कोटा। कानों से कम सुनने वालों की जांच एवं मशीनों की पूर्ण व्यवस्था हर सप्ताह, माह के प्रत्येक पहले व तीसरे रविवार। डॉक्टर अभिनव सोनी, स्पाइन सर्जन, पूर्वानुभव मुख्य स्पाइन सर्जन, मेवाड़ हॉस्पिटल उदयपुर, मेवाड़ हॉस्पिटल कोटा, प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे बुधवार। डॉक्टर सुभाष चंद आर्य, ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट, आकांक्षा ऑर्थोपेडिक सेंटर, मैत्री हॉस्पिटल एवं आयुष फिटनेस कोटा। दर्द से हताश रोगियों के लिए नई आशा। क्या आप बीमारी का इलाज करवाते थक चुके हैं? क्या आप दवा खाते खाते परेशान हैं? तो निम्न रोगों का फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी व एक्सरसाइज IASTM विदेशी तकनीक द्वारा बिना दुष्प्रभाव के इलाज। जोड़ों का दर्द व गठिया, कोहनी में दर्द टेनिस एल्बो, एड़ी में दर्द प्लैंटर फैसिटिस, हाथ पैरों में कंपन एवं सूनापन, घुटने का दर्द ऑर्थोराइटिस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, घुटने में दर्द एवं बढ़ते हुए वजन का इलाज साथ साथ, गर्दन में दर्द, जकड़न, चक्कर आना, फ्रैक्चर एवं सर्जरी के बाद जकड़न स्टिफनेस्टिस, मांसपेशियों में खिंचाव स्प्रेन स्ट्रेन, कंधों का जाम व दर्द फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट की चोट व दर्द, कमर में दर्द लो बैक पेन स्लिप डिस्क PIVD, चेहरे का लकवा फेसियल पॉल्सी, पार्किंसंस, लिखते समय हाथ का कांपना, प्रेगनेंसी के पहले और बाद फिजियोथेरेपी, साइटिका कमर से पंजे तक दर्द, लकवे का सफल इलाज, भौतिक चिकित्सा से तुरंत इलाज प्रारंभ करने पर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ। THR एंड TKR घुटना प्रत्यारोपण के बाद घर पर भी फिजियोथेरेपी इलाज की सुविधा, भर्ती सुविधा उपलब्ध, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कंप्यूटराइज्ड लैबोरेटरी, मेडिकल स्टोर, डिजिटल एक्सरे, भवानी मंडी की डायबिटीज मरीजों के लिए प्रातः 6 बजे से सैंपल फास्टिंग की सुविधा उपलब्ध, साथ ही अत्याधुनिक मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के जांचों की सुविधा भी उपलब्ध। नोट, घर जाकर जांचों के सैंपल लेने तथा ऑनलाइन परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध। अन्नपूर्णा टेली हॉस्पिटल और टेम हेल्थ अ स्मार्ट क्लिनिक, गुजरात के अनुभवी एवं सुयोग्य चिकित्सा विशेषज्ञ आपके भवानी मंडी में, विशेषज्ञ डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट पेट रोग विशेषज्ञ, डायबिटोलॉजिस्ट मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा एवं यौन रोग विशेषज्ञ, ऑनको फिजिशियन कैंसर रोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जरी के विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग के ज्ञान तंतु के विशेषज्ञ, ENT कान नाक गले के विशेषज्ञ, एंड्रोकिनोलॉजिस्ट अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि के विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट किडनी और मूत्र मार्ग के विशेषज्ञ, MD मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर आदि विभिन्न रोग विशेषज्ञ, ECG कार्डियोग्राफ की विशेष सुविधा भी यहां उपलब्ध है, ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी एवं स्लिमिंग सेंटर, डॉक्टर नवीन नागर PT, भवानी मंडी में महिलाओं हेतु एकमात्र स्लिमिंग सेंटर, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा व्यायाम एवं डाइट प्लान द्वारा वजन को नियंत्रित कर कम करना, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय, विशेष कैविटेशन मशीन द्वारा कमर की साइज मात्र 7 दिनों में 2 इंच कम करना, समय प्रातः 9 बजे से सायं 9 बजे तक,
हमारा मोबाइल नंबर ही 9636257606 8094776606। हमारे यहाँ अन्य उपलब्ध मशीनें ट्विस्टर एंड डंबल, बॉडी शेयर, डीप हीट ट्रेडमिल, वॉकर, वैक्यूम सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, जुम्बा क्लासेस, एरोबिक्स क्लासेस, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल, हमारा पता है मगन भाई कॉलोनी, ज्ञान मंदिर सिनेमा रोड, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। हमारा मोबाइल नंबर ही 9636257606 8094776606। श्यामगढ़ का प्रथम ISO मान्यता प्राप्त क्लिनिक आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक न्यूरोथेरेपी सेंटर श्यामगढ़। डॉक्टर के पाटीदार BHMS MD, पूर्व चिकित्सक डॉक्टर AT हार्ट हॉस्पिटल मुंबई, आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई, जिनका मोबाइल नंबर है 9406686663। डॉक्टर राम पवार MPT, राहुल प्रधान ट्रेनर, जिनका मोबाइल नंबर है 9799722021। समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। क्या आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं? सिर दर्द व चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों से अंगुलियों तक सुन्न रहना, कंधों का जाम होना, लकवा तथा चेहरे का लकवा, कमर में दर्द व छल्ले का खिसकना और नसों में दबाव, कुल्हे का दर्द व साइटिका, घुटने का दर्द, सूजन, पैरों की नसों में खिंचाव व सुन्नपन, एड़ी का दर्द। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंचर, ब्लड कंपिंग, वैक्यूम कंपिंग, हार्ट कंपिंग, अग्निकर्म, पंचकर्म। मंदसौर जिले का पहला सर्व सुविधा युक्त न्यूरोथेरेपी सेंटर। कमर, गर्दन एवं जोड़ों के दर्द की समस्याएं, पैरों व हाथ में झुनझुनी तथा सुन्नपन, साइटिका, लकवा, कंधे जाम, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। नोट, घुटने व कमर दर्द के मरीज जिन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी गई है वो पहले एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7828718608 9672145722। आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, हमारा पता है नीम चौक मेन रोड श्यामगढ़, जिला मंदसौर। हमारा मोबाइल नंबर है 0940668663।